A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB group of schools. My name is Pragati Divedi and I am here to take your English classes. As we have earlier studied till chapter number 6, today we'll start our new fresh chapter, that is chapter number 7, Fair Play. So what do you understand from the title of this story? That is fair play. Fair play means kisi bhi cheez ko fair. It's not fair means saaf. Fair means kisi bhi cheez ko sahi tarike se judge karna. ठीक है, अगर आपके मन में किसी चीज को लेके बदले की भावना या कुछ भी है, लेकिन आपने उसका क्या निकाला, एक फेयर डिसीजन लिया. फेयर डिसीजन लेना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो इस स्टोरी का मतलब यही है. इस स्टोरी में हम यही देखेंगे कि कैसे दो फ्रेंड्स ने एक दूसरे के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो लड़ाई झगड़े थे उसे अपार्ट रख के, साइड में रख के उन्होंने एक फेयर डिसीजन लिया. Okay, so first, before starting the chapter, we'll get to know about the author. So, the writer of this story, Fair Play, is Munshi Premchand. Munshi Premchand के बारे में आप सभी ने सुना होगा. ये हमारे हिंदी लिटरेचर के बहुत ही जाने माने पोएट हैं और राइटर हैं. इन्होंने बहुत सारी फेमस स्टोरीज लिखी हैं. और ये बनारस से बिलोंग करते थे. He was born on 31st July 1880 and he was died on 8th October 1936 in Varanasi. ये एक इंडियन राइटर थे जो कि वाराणसी से बिलोंग करते थे और इनकी जो भी स्टोरीज हैं वो हिंदी में थी. इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है. फेयर प्ले भी एक हिंदी स्टोरी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है. और भी इनकी कई सारी बुक्स हैं जैसे गोदान, गबन एंड मैनी अदर स्टोरीज ही हैज बीन रिटन. तो ये हमारे हिंदी लिटरेचर के बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर हैं. ओके, सो वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी नाउ एंड व्हाइल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मोर वेल. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द टू बेस्ट फ्रेंड्स नेम जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी नाम के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ये उनकी स्टोरी है. जो जुम्मन शेख है उनकी एक बुआ थी जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनके पास में कुछ प्रॉपर्टी थी. तो वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे देती हैं ऑन द बेसिस कि जुम्मन उनकी देखरेख करेगा, उनका मतलब पालन पोषण करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनकी सेवा करेगा. एट द स्टार्टिंग ऑफ द टू ईयर्स जुम्मन ने उनकी बहुत अच्छे से देखरेख की, खाना पानी हर चीज का बहुत ध्यान रखा. बट आफ्टर टू ईयर्स जो थिंग्स थी वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी. जो जुम्मन की फैमिली हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो वो क्या हुआ, फैमिली में वो अपना ज्यादा ध्यान देने लगे और जो ओल्ड वुमेन उनकी बुआ जी थी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी. इवन उनको खाना भी मिलता था तो जो भी थोड़ा बहुत खाना मिलता था वो ऐसे ही दे दिया जाता था विदाउट एनी रिस्पेक्ट. उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी घर में. तो ये सारी चीजें देख के जो जुम्मन की बुआ जी थी, आंट थी, उन्होंने डिसाइड किया दैट शी वॉन्ट टू have another way to feed herself. उन्हें दूसरा, उन्होंने अपना दूसरा वे निकाला खुद को खाना पीना करने के लिए. तो उन्होंने बोला जुम्मन से कि वो उन्हें कुछ पैसे दे, मंथली बेसिस पे कुछ पैसे दे जिसकी वजह से वो खुद से अपना खाना बना के खा सकें, अपना पेट भर सकें. तो जब जुम्मन से उन्होंने ये बात बोली तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया. उसने बोला कि जो उसकी वाइफ है, जुम्मन की वाइफ है, वो घर को ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है. शी विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस एंड शी विल लुक आफ्टर द हाउस. तो जुम्मन की जो बुआ जी थी उन्होंने पंचायत के सामने अपनी प्रॉब्लम रखी. जब पंचायत के सामने प्रॉब्लम रखी तो कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया, कुछ लोगों ने उनकी प्रॉब्लम को समझा, कुछ लोगों ने उनको बोला कि वो जुम्मन से बात करके अपना मैटर, अपने घर का मैटर खुद ही से सॉर्ट आउट कर लें. जब उन्हें ये चीजें नहीं, उनके मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो वो जुम्मन का जो बेस्ट फ्रेंड था, जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड कौन था, अलगू चौधरी, उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो. अलगू क्योंकि वो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था तो वो उनकी आंट से बोलता है कि आई कांट हेल्प यू आउट बिकॉज आपको भी पता है कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसके डिसरिस्पेक्ट में या उसके खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, ये अच्छी बात नहीं होगी. Then his Jumman's buas or aunt says that
क्या सही को सही और गलत को गलत बोलना ये फेयर बात है? कहती है ठीक है, आई नो दैट यू आर बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप गलत को सही, गलत और सही को सही नहीं बोल सकते हो, तो क्या ये एक फेयर डिसीजन होगा? तो उतना बोल के वो वहां से वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे जब पंचायत होती है तो वहां पे जुम्मन की आंट को ऑफर मिलता है कि वो जिस भी पर्सन को अपॉइंट करेंगी, जिस भी पर्सन को डिसीजन देने के लिए बोलेंगी, जुम्मन उसका जो भी डिसीजन होगा उसे फॉलो करेगा। तो ये जानते हुए भी कि अलगू जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बुआ जी, जुम्मन की जो बुआ जी है, वो अलगू का नाम सजेस्ट करती हैं। तो अलगू क्या करता है, अलगू का नाम सुन के जो जुम्मन है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे फेवर में ही जो भी डिसीजन लेगा लेगा। बट व्हाट डज द अलगू डज, अलगू ने जो डिसीजन था वो बुआ जी के फेवर में दिया, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो एज अ पंचायत की जो सिचुएशन थी कि पंचायत जो भी होती है उसे एक फेयर डिसीजन देना होता है, ना कि किसी को रिस्पेक्ट में देना होता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या ये मेरा रिलेटिव है या मेरा भाई है, इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं होता है, वहां पे इंसान एक फेयर डिसीजन देता है। तो सेम वही डिसीजन अलगू ने भी दिया था। ये जान के कि अलगू ने ऐसा डिसीजन दिया, ये सुन के जुम्मन को बहुत शौक लगता है और वो उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अलगू और जुम्मन की फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाती है ड्यू टू एन इंसिडेंट। कौन सा इंसिडेंट हो जाता है, पंचायत में जो डिसीजन मिलता है बुआ जी के फेवर में, उसकी वजह से देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोक डाउन। उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, इतना बेस्ट फ्रेंड थे दोनों, वो क्या होता है, टूट जाता है, उनकी लड़ाई हो जाती है और जो जुम्मन रहता है वो अलगू से बदला लेना चाहता है। फिर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हाट हैपेंस कि जो अलगू है वो अपने बैल एक साहूकार है उनके पास में देता है एज अ रखने के लिए और कुछ पैसे उधार लेता है। बट क्या होता है कि वो साहूकार पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि बैल कुछ टाइम बाद बैल मर जाती है। तो एक साहूकार आता है और वो इनके से पैसे लेके और अपने बैल को गिरवी रख के जाता है, बट बैल कुछ टाइम बाद मर जाती है, तो जो साहूकार है वो पैसे देने से मना कर देता है। फिर से पंचायत बैठती है और इस बार क्या होता है, साहूकार को पता होता है कि ये दोनों की लड़ाई हो चुकी है जुम्मन और अलगू की, तो वो ये सोचता है कि वो क्यों ना जुम्मन को बोले अपना डिसीजन देने के लिए। वो एज जुम्मन को इलेक्ट करता है कि वो जो डिसीजन देगा वो मान्य होगा, ये जान के कि जो जुम्मन है उसके पास में पावर है डिसीजन देने की। अलगू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो जुम्मन है वो अलगू के फेवर में डिसीजन नहीं देगा। बट व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कि जुम्मन जो है वो अपना डिसीजन अलगू के फेवर में देता है, बिकॉज जुम्मन को पता है कि वो बदला तो वो लेना चाहता है, बहुत गुस्से में भी था वो अलगू से। बट जब कोई भी पंचायत में बैठता है, एज अ पंचायती मेंबर कोई होता है, तो वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहां पे वो इस तरीके से नहीं सोचता है कि वो कोई उसका एनिमी है या कोई किसी का रिलेटिव है या कोई बेस्ट फ्रेंड है। जो पर्सन होता है वो एज अ ह्यूमन क्या सही है क्या गलत है उसका एक फेयर डिसीजन देता है। तो अलगू के भी फेवर में डिसीजन आया, जुम्मन ने जो डिसीजन दिया वो किसके फेवर में दिया, अलगू के फेवर में। ये सुन के अलगू की आंखें भर आई और दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉर्ट आउट हो गई। एट लास्ट विद द फेयर जस्टिस दे अगेन बिकेम गुड फ्रेंड। तो लास्ट में क्या होता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, गलत को गलत और सही को सही डिसीजन ही दिया गया था, जो भी डिसीजन सही था, जो जिसके फेवर में जाना चाहिए था, सेम फेयर डिसीजन हुआ, जिसकी वजह से लास्ट में दोनों को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हुई एंड दे अगेन बिकेम दी गुड फ्रेंड। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी एंड द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी वी हैव लर्नड इज वी शुड ऑलवेज बी फेयर टू एवरी वन। हमें हमेशा सबके साथ क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा जो सही डिसीजन है जिसके रिस्पेक्ट में, हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा फेयर बिहेव करना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ।